हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस नए ब्लॉग में। तो यार फाइनली आज हमारे 30 डेज जो चैलेंज चल रहा था हमारा 30 डेज का, वो आज फाइनली कंप्लीट हो गया है हमारा। और यार भाई आज बहुत ही ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि यार मैंने 30 दिनों का अपना टारगेट पूरा कर लिया है। और यार मेरा वेट फाइनली मैंने वेट कर लिया अपना। जब मैंने फर्स्ट डे अपना वेट किया था चैलेंज से पहले, तो मेरा वेट था 54 किलो, और आज मैंने अपना वेट किया है भाई तो 60 किलो वजन हो चुका है मेरा, यानी कि 6 किलो वजन मेरा बढ़ चुका है। तो भाई यार मेरे लिए सबसे हैप्पी डे है आज, हैप्पी मूवमेंट है मेरे लिए। और भाई यार मतलब अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यार, और मैं आप लोग को बता नहीं सकता यार कितना अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यार मैंने 30 डेज अपने मतलब चैलेंज के इस तरह से पूरे कर लिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा यार खुद को मतलब इस तरह से मैंने प्रेजेंट करके दिखाया ना 30 डेज के अंदर, वेट भी गेन कर लिया और फिर डेली ब्लॉगिंग की, और मतलब यार बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया मैंने, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम भी बहुत ज़्यादा रहते थे, और फिर भी मैंने अपना मतलब अपना जो चैलेंज था वो पूरा कर लिया है। सो यार सबसे जो कठिन काम था ना मेरा खुद का वेट करना था, वेट गेन करना था, मैं सबसे ज़्यादा कठिन काम समझता था वेट गेन करने को। तो यार अगर आप लोग भी अगर वेट गेन करना चाहते हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब वीक है आपकी बॉडी और आप भी वेट गेन करना चाहते हैं, अच्छी मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा पहला वाला ब्लॉग जो मैंने पहला वाला आप लोग 29 ब्लॉग को स्किप कर देना, स्क्रॉल कर देना, और नीचे सबसे नीचे वाला मेरा ब्लॉग है वो वाला आप लोग, उसमें मैंने पूरी डाइट बताई है अपनी, जो मैंने 30 दिन के अंदर डाइट ली है ना वो सारी डाइट मैंने उसके अंदर कवर की है। आप लोग जाएँ उसके अंदर और वो वाला पूरा ब्लॉग देखें अच्छे से, और उस डाइट को जो है आप लोग फॉलो कर लें, आपका पक्का वेट गेन होगा, पक्का 100%। तो यार मैं चाहता हूँ आप लोगों को फायदा हो, और थोड़ा सा फायदा मुझे भी हो जाएगा, आप मेरी वीडियो वॉच करोगे तो सब्सक्राइब, ज़्यादा फायदा आपका होगा उसमें, क्योंकि यार वेट गेन करना, जो लोग दुबले पतले होते हैं यार उनका वेट मतलब उनको पता होता है अपनी फीलिंग्स का, क्या उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, मतलब कपड़े आप पहनते हो अट्रैक्टिव नहीं लगते बिल्कुल, लूज होते हैं, लूज आते हैं बिल्कुल, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता कपड़े पहनने में। तो यार भाई मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता आज मैं कितना खुश हूँ, मतलब अपनी खुशी आपके साथ मैं जाहिर नहीं कर सकता कितना खुश हूँ यार मैं आज, क्योंकि आज मेरा 60 किलो वेट पूरा हो गया है, 3-4 किलो वेट और मुझे गेन करना है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, और अच्छी मस्कुलर बॉडी बनानी है। जो ये मेरी डाइट चल रही थी, जो मेरा ये रूटीन चल रहा था डेली ब्लॉगिंग का और डेली एक्सरसाइज का, ये डेली ऐसे चलेगा, लेकिन मैं अपने ब्लॉग में इसको कवर नहीं करूँगा मैं, और एक और चैलेंज करने वाला हूँ मैं खुद से इंग्लिश स्पीकिंग करूँगा मैं 30 दिन तक, ये 30 दिन का मेरा चैलेंज रहेगा, डेली सेंटेंस प्रैक्टिस करूंगा और ब्लॉग बनाऊंगा डेली। और तो भाई यार अगला टारगेट मेरा ये है, सो फाइनली आज 30 नवंबर है तो मेरा फाइनली आज कंप्लीट हो गया है चैलेंज। तो भाई यार बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, और तो भाई यार ये वाला जो वेट गेन हुआ है ना मेरा अनएक्सपेक्टेड था यार, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपना वेट गेन कर सकता हूँ। और यार मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, डिप्रेशन में रहता था हमेशा, डिप्रेशन में 3 साल से लगातार मैं कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था लगातार, मतलब वेट गेन कैसे होगा मेरा, मतलब सब कुछ खाता था मैं, बहुत कुछ खाता था लेकिन वेट गेन नहीं होता था मेरा। लेकिन भाई मैंने खुद को चैलेंज किया और अच्छी टाइम से सब चीज़ टाइम से ली, बिल्कुल टाइम टू टाइम सब डाइट ली मैंने, अच्छे से डाइट को फॉलो करा, तो यार मेरा वेट गेन हो गया माशाल्लाह, 60 किलो वेट हो चुका है मेरा, और अच्छी बॉडी मस्कुलर बॉडी हो चुकी है क्योंकि रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो अभी तो मैं अपना शेड ओपन नहीं करूँगा यार, क्योंकि थोड़ा सा ऐप्स वगैरह निकाल लूँ, फिर आपको अपनी बॉडी दिखाऊंगा मैं। बाकी गजब यार भाई, गजब एक्सपीरियंस रहा मेरा ये 30 डेज का, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अपने इस चैलेंज को करने के बाद में। यार इंसान को पहले खुद से जीतना होता है भाई, बाद में तो दुनिया से जीत ही लेता है इंसान, तो भाई यार मैंने खुद से खुद को जीत लिया भाई आज। तो यार फाइनली भाई कंप्लीट हो गया हमारा चैलेंज। तो यार मैं अपना वेट चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मैंने अपना वेट भी चेक कर लिया है, 6 किलो मेरा वजन बढ़ चुका है फाइनली। तो यार जो लोग आप लोग अगर मोटे हो, आप अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आप मोटे हो तो आप लोगों के लिए आसान है वेट गेन करना, लेकिन जो लोग मोटे नहीं होते ना, पतले होते हैं, तो उनको वेट गेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो भाई यार वही हाल मेरा था, मुझसे वेट गेन नहीं होता था, मतलब बहुत कोशिश करता था मैं, बहुत ट्राई करता था, सब कुछ खाता था लेकिन वेट गेन नहीं होता था। तो यार अभी मैंने चैलेंज किया था तो अच्छी डाइट ली, टाइम से टाइम टू टाइम सब चीज़ टाइम टू टाइम खाई, तो मेरा माशाल्लाह वेट गेन हो गया। तो भाई यार गजब, बहुत अच्छा लगा यार वेट गेन होने के बाद, क्योंकि यार इंसान के अंदर
सबसे मेन चीज होती है उसकी हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है ना तो आप लोग ऐसे भी कपड़ा पहन लो, आपको एकदम अट्रैक्टिव लगेगा, एकदम गजब लगेगा। तो यार, तो भाई यार अभी मेरा 60 किलो वेट हो गया है, तो मैं 4-5 किलो वेट गेन और करूँगा इंशाल्लाह, 5 किलो वेट गेन और करूँगा। फिर अभी जो मेरी डाइट ये चल रही है ना, ये कंटिन्यू चलती रहेगी, ये तो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी, और एक्सरसाइज भी कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन मैं अपनी वीडियो में नहीं बना वीडियो नहीं बनाऊंगा एक्सरसाइज की ना डाइट की, ठीक है। अब जो वीडियो बनाऊंगा मैं, अब देखो चैलेंज करने वाला हूँ मैं 5 या 6 तारीख से इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश लर्न करूँगा मैं ऑनलाइन, ठीक है। और ब्लॉग बनाया करूँगा डेली, 100 सेंटेंसेस या जितने भी डेली का एक रूटीन बना लूँगा मैं, सेंटेंस मतलब याद करे करूँगा और मतलब उसे प्रैक्टिस करे करूँगा, ब्लॉग बनाया करूँगा उसका। तो अगर आप देखोगे मेरे ब्लॉग और इंग्लिश मतलब मैं बोलूँगा तो आप भी देखोगे, तो मतलब आप भी सीख मतलब आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और यार मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी यूट्यूब पर। तो भाई अभी तो यार पूरा टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ, 30 दिन तक लगातार काम किया, लगातार ब्लॉग बनाए, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी रहते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा थका फील कर रहा हूँ। 2-3 दिन का रेस्ट करूँगा, नहीं कोई ब्लॉग बनाऊँगा, नहीं कोई कुछ नहीं करूँगा, रेस्ट करूँगा, ओनली रेस्ट। तो भाई यार आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और यार आप लोग भी अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना यार, तो भाई यार कोई भी चीज़ अगर तुम्हें अच्छी लगती है, अगर तुम किसी चीज़ के लिए पागल हो, तो यार उसको करो, और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करो। जब तक आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करोगे, वो चीज़ नहीं होगी। तो यार मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे भाई यार, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी वेट गेन करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा वीक हो, आपकी बॉडी वीक है, तो आप लोग मेरा पहला वाला ब्लॉग देख लेना, मैं डिस्प्ले पर लगा दूंगा, तो आप लोग उसे टच करके आप लोग उसे देख लेना, और उस डाइट को फॉलो कर लेना, ठीक है, मिस मत करना कुछ भी। और भाई यार मिलते हैं यार अगले दिन किसी दिन, अभी तो कल नहीं बना पाऊंगा अभी लोग, क्योंकि यार थोड़ा रेस्ट करूंगा मैं इंशाल्लाह, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। भाई यार अपना ख्याल रखिएगा यार, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।